साथियों, बीते छह वर्षों में भारत में जिस तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हुआ है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक्सपर्ट्स के लिए भी एक स्टडी का विषय है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने डिजिटल सॉल्यूशंस को भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। आज भारत के 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों के पास यूनिवर्सल आईडी आधार है। लोगों के बैंक अकाउंट और यूनिवर्सल आईडी उनके फोन से कनेक्टेड है। अभी दिसंबर के महीने में, अकेले मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं, अभी दिसंबर के महीने में ही भारत में 4 ट्रिलियन रुपीज का लेन देन यूपीआई से हुआ है। यहां जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरह से दुनिया के बड़े बड़े देश भारत द्वारा विकसित यूपीआई व्यवस्था को अपने यहां दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हमने ये भी देखा है कि कोरोना संकट के दौरान अनेक देश परेशान थे कि अपने नागरिकों तक सीधे आर्थिक मदद कैसे पहुंचाए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसी दौरान भारत ने 760 मिलियन से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1.8 ट्रिलियन रुपीज से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। ये भारत के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत का उदाहरण है। हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट भी बनाया है और ट्रांसपेरेंट भी बनाया है। अब भारत अपने 1.3 बिलियन नागरिकों को हेल्थ केयर के इजी एक्सेस के लिए यूनिक हेल्थ आईडी देने का भी अभियान शुरू कर रहा है। और साथियों, मैं आज इस प्रतिष्ठित फोरम पर सभी को यह भी आश्वासन देता हूं कि भारत की हर सफलता पूरे विश्व की सफलता में मदद करेगी। आज हम जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं, वो भी ग्लोबल गुड और ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रति पूरी तरह कमिटेड है। भारत के पास ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और सबसे बड़ी बात रिलायबिलिटी भी है। भारत के पास आज बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और उसका जितना विस्तार होगा उतना ही ग्लोबल इकोनॉमी को लाभ होगा।